इस व्लॉग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट हर रोज़ व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहता और इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो आज के व्लॉग की दो बातें, तीन बातें। एक बात तो टॉपिक है इस व्लॉग का जो मैं एंड करता हूँ, बाकी दो बातें ये हैं कि मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाहता, और वो मैं इसलिए तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि YouTube का एक एल्गोरिथम है कि अगर आप रेगुलरली पोस्ट करते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते हैं और आपकी ऑडियंस इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, तो वो आपके ब्लॉग्स को पुश करती है और टॉप पे शो करती है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पोस्ट करना शुरू हो गया हूँ, तो अगर आप अपना यूट्यूब पे या गूगल पे आंसू लेख लिखते हैं तो आपके भाई का ब्लॉग टॉप पे आता है। तो इस सिलसिले को जारी रखने के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे वालिद साहब कंप्लेन करते हैं कि मैं अपने व्लॉग्स में बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो आज के व्लॉग में मैं आराम से बात करूँगा, आराम से बात करूँगा। तीसरी बात इस व्लॉग का टॉपिक है, आज मैं इस व्लॉग में कुनाफा बनाऊँगा। कुनाफा जिनको पता है क्या होता है वो तो चलो उनको पता है, जिनको नहीं पता क्या होता है, कुनाफा एक अरेबिक स्वीट डिश है जो कि बहुत अच्छी होती है और मैं दुबई में खाया करता था और मैं काफ़ी दिनों से उसको बहुत क्रेव कर रहा था, तो इसलिए कल मैंने उसकी रेसिपी शॉर्टलिस्ट की 3-4 वेबसाइट्स से, उसको मैंने जो एडिट करके सबसे सस्ता वाला वर्जन निकाला और उस रेसिपी से मैंने कल कुनाफा बनाया, तो वो अच्छा बना था। तो आज मैं आप सबको भी सिखाऊंगा कि कुनाफा कैसे बनता है। चौथी बात थी तो नहीं, लेकिन चौथी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चौथी बात ये है कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक पे जिसमें किसी ने कंप्लेन की हुई थी कि आजकल लोग कुकिंग व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिपीज दिखाते हैं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ें लाना, इंग्रेडिएंट्स लाना, उनके लिए अच्छा नहीं है, तो आप लोग ना ऐसे काम किया करें, आप लोग ना पोस्ट किया करें। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स में वो चीज़ें ना करूँ जो एक नॉर्मल बंदा या एक ऐसा बंदा जिसके पास मीन्स नहीं है वो उसको अफोर्ड ना कर सके। जैसे आपके भाई ने कल स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाई थी 30 रुपये वाली, वैसे ही आज ये कुनाफा बनेगा 30 रुपये नहीं, ताकि इसको हर कोई आराम से बना सके। सिर्फ अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के लिए मैं कुकिंग क्लासेस नहीं देता, ठीक है? तो दिस इज़ फॉर एवरीवन एंड लेट्स गो। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुनाफा बनाना स्टार्ट करूँगा। वैसे तो मेरे पास कुनाफा के इंग्रेडिएंट्स पूरी नहीं हैं, कुनाफा के लिए कुनाफा चाहिए होता है, लेकिन हम देसी तरीका करेंगे। पंखा बंद कर लो, ये इसको बोलते हैं वर्मिसली, वर्मिसली, इसको वर्मिसली कब से बोलने लग गया भाई, इसको सवैयाँ बोलते हैं, हम इसको सवैयाँ बोलते हैं, आप इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं इसके साथ हम कुनाफा बनाएंगे क्योंकि हमें वो ओरिजिनल वाला इंग्रेडिएंट मिला है, और बाकी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको अभी बता दूँगा। दिस इज जाहिद। हे गाइस, अच्छा नेवर माइंड। सवैयों के अलावा इसके लिए आपको चाहिए मोज़रेला चीज़, क्रीम, दूध और कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले पानी उबालने के लिए रखो जिसमें इसको रख के सॉफ्ट करें। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेता हूँ। नोटिस कर रहे ना मैं कैसे आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। सॉफ्ट हो गई हैं, अभी इसका मैं बनाऊंगा ब्रेड, ब्रेड नहीं बेस। पहले इसको बटर के साथ मिक्स करूँगा, इसको अब सुखाएं, सुखा और हाँ इसमें चीनी भी डालनी है। जो पेस्ट है इसमें हसबे ज़रूरत जितनी आपको पसंद है उतनी चीनी भी डालें। पेस्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बेस डो क्या बोलूँ इसको मैं, डो भी हमारी कुनाफा की ऑलमोस्ट तैयार है। पिघलाएं, इसमें मिक्स करना है।
गेहूँ के हवाई डो गर्म बहुत है, उसको मैं सही तरह हाथों से मिक्स नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको पहले मैं ठंडा करूँ। ठंडी हो गई है, अब इसको मिक्स कर सकता हूँ हाथों से। अब आई होप ठंडी हो गई है, तो अब डो बनाना शुरू। बाकी आधी से इसको ऊपर से हमने कवर करना है फिलिंग अंदर डाल के। फिलिंग भी हो गई है, इसके ऊपर डालेंगे हम श्रेडेड मोज़रेला चीज। कैमरे में आएंगे नहीं, श्रेडेड मोज़रेला चीज। श्रेडेड चीज डाल ली, अब इसको ऊपर से कवर कर दिया बाकी के बचे हुए डो से। अब इसको रखूँगा मैं प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए। अब जब तक ये ब्राउन हो जाता है, इसके ऊपर हल्की हल्की आँच से नज़र रखें और साथ थोड़ा थोड़ा खोल के देखते भी रहें, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता आपको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, क्योंकि मैं कोई मास्टर शेफ गॉर्डन रामसे नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा मून हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि ये कैसा बनता है और फिर आप भी बना के ट्राई करना और बताना फिर के कैसा बना। जब तक हमारा कुनाफा तैयार होता है, यहाँ पे मामा तैयार हो रही हैं कहीं पे जाने के लिए। कहाँ जा रही हैं, हैं? सो जब तक कुनाफा तैयार हो रहा है तब तक थोड़ा गुरु ज्ञान बांट लेते हैं बेटा, आहिस्ता बोल के। गुरु ज्ञान में आज का टॉपिक जो है वो ये है कि मैं आज बड़े अरसे बाद अच्छा झूठ नहीं बोलूँगा कि कल मैं टेनिस पे भी गया था, क्योंकि लेकिन जॉगिंग मैंने बड़े अरसे बाद ही की है आज। तो आज DHM में मैं जॉगिंग कर रहा था और मैं सोच रहा था साथ कि लोग कैसे अपना पूरा दिन घर में गुजार सकते हैं। सो के उठो, खाओ, मोबाइल यूज़ करो, मूवी देखो और दोबारा सो लो। करो, मतलब मुझे मसला नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी है, जो करना है करो। यार फिर तेज बोल रहा हूँ, ये बड़ा मसला है यार। अच्छा तो लेकिन मतलब कुछ प्रोडक्टिव कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर निकलो, दोस्तों से मिल लो, सोशलाइज कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, गाड़ी धो लो, लॉन को पानी दे लो, कुछ पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, कुछ कंटेंट क्रिएट कर लो, वीडियोस बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ करो। मतलब फारिग बैठना तो अल्लाह को भी नहीं पसंद, मैंने सुना है मामा कहती हैं ऐसा। तो फारिग मत बैठो, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे भी सो लो, 12 घंटे जो बाकी के हैं उनमें कुछ तो करो यार। इससे हम बहुत सी चीज़ों से बचे रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है डिप्रेशन, जो कि आजकल हमारी यूथ में बहुत कॉमन है। हमारे पेरेंट्स के दिनों में ये मसला नहीं होता था, तो इसलिए उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर आप उनको बताएंगे तो द ओनली आंसर यू विल गेट इज नमाज पढ़ो, स्कूल का सबक पढ़ो, कुछ भी नहीं होता, फजूल बातें मत करो। तो ये चीज़ें उनको नहीं समझ आती, क्योंकि उनके दौर में शायद ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये चीज़ें आई हैं हमारे दौर में मोबाइल फ़ोन्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ। अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखते तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, जो चीज़ें हमें अफसरदा करती हैं, जो चीज़ें हमें डिप्रेशन में भेजती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ चीज़ों में अपने दिल को मसरूफ़ रखो, दिमाग को मसरूफ़ रखो, ताकि आपका जहन उन चीज़ों की तरफ ना जाए जो चीज़ें डिप्रेशन के अंदर लीड ऑन करती हैं। तो यस, मेरे ख्याल में इतना गुरु ज्ञान काफ़ी है इस एपिसोड के लिए। कुनाफा जल रहा होगा, वो जाके देखता हूँ। और ये है कि यस, आई होप कि आप सारे जो है मेरा गुरु ज्ञान समझ रहे हैं और इसको अमल, इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। टुगेदर वी कैन विन दिस वॉर। किसी रैली की वो होगी यार, क्या बोलते हैं, रैली का स्लोगन हो गया।
यार फिर तेज बोल रहा हूँ, ये बड़ा मसला है। ऐसे तो पापा व्लॉग्स देखना छोड़ देंगे। चलो फिलहाल कुनाफा देखते हैं, रेडी हो गया होगा, बाकी बातें फिर गुरु ज्ञान अगले एपिसोड। ये थोड़ी सी कसर है। अभी तक कुनाफा तैयार नहीं हुआ है? तो दादू के साथ अब तक थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ। माँ पापा कहीं भी चले, फिर तेज बोल रहा है यार। माँ पापा कहीं भी चले गए अफसोस करने, तो जब तक वो वापस आते हैं मी एंड वो सारे की बड़ा पसंद आया था ना वीडियो, ना कि सलाम करो की सारे की जिन्ना तख्या सा पहले मैं उनका उन्ना की सलाम करो। हाँ। उनको भी मैंने ब्लॉग दिखाया था, उनको आप सबके कमेंट्स भी पढ़ाए थे एंड शी रियली लाइक्ड इट। सब की बातें उनको बहुत पसंद आई। क्या पता लोका के पसंद लोका टेस्ट फूड आया। और नीचे लिखने ना नाल नीचे नंबर कितना थी, मैं दसरा दुसान की। अब मैं इनको कमेंट्स पढ़ाता हूँ, मैंने अभी तक इनको कमेंट्स शायद पढ़ाए नहीं थे। अगे लोग असने से वो पछड़े आने से ढूंढ के आवे वो आनी ये तखो ना तुम्हारा केड़ा ए वीडियो लगी सी ना ते ए कुकुड़ी आनी बहुत प्यारी है दादो तुम्हारी ये कुण आना कुड़ी माशाल्लाह। हां नानी माशाल्लाह ते दुआ है कोई कौन है पता नहीं ए आना मिकी बहुत चंगा लग्या मैं थोड़ा फैन हो गया मुरीद हो गया। ये कुड़ी है जड़ी प्री हां ऊपरी कुड़ी है ये कैड़ी तो दादो ना प्यारी है ते थल्ले ए कुड़ी है आनी बहुत प्यारी है माशाल्लाह ते एस भी आ क्या माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है कुथू ए नहीं आ खैर कुथा बोल लियो कुथा रहने उना की पता ना ते इसना भी आया वा अल्लाह उस ना दादी की बहुत लंबी जिंदगी दे ते सेहत दे ये मार से सेहत दवाइयां कर सुन लो। हां ए फाद भाई ना भी आया वा फाद ना। हां अल्लाह पाक उना की लंबी जिंदगी ते सेहत दे। ए पुप्पो पिनो ना भी आया वा ओ भी दुआ देने पे कामी इमरान सारे ना आया वा। हां तो कामी ना आया ए कामी भाई ना भी आया वा सच है। ए देखो ना माशाल्लाह बहुत चंगा लग्या वीडियो तकी के ते बनाने रिया करो और भी लोका ना काफिया ना आया वा बहुत चंगा लग्या। पिंडर को था नहरा ना पिंडर पिंडर ना नहीं आया पर लाया स्पेशल को लाया तो अच्छा है ना स्पेशल ओ खोलना पड़ना ना इंटरनेट पर इंटरनेट को नहीं हो सना उनका कोल अब्दुल्ला ना भी आया वा हाला अच्छी सेहत लंबी जिंदगी दे आमीन। तो ये थे जी इनके फैंस के कमेंट्स, सारे दादो के लिए थे ऑब्वियसली, मेरे लिए किसने कमेंट करना था। तो उनकी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तुआनू तुआनू नहीं तुसाना बहुत बहुत तुसाना उन्हें क्या आखो ना तुसाना बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तुसा सारे लोगों ना। तो अभी अगला कोई व्लॉग बनाऊंगा तो फिर देखेंगे उसमें दादो को दोबारा इन्वॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में कुनाफा मेरा जल रहा होगा, जल्दी से देखो। है हाँ।
बहुत अच्छा बना है भाई, सारे बनाओ, क्वारंटीन एंजॉय करो, सबको खाओ खिलाओ। क्या यार जरा पूछना है, मसाद नहीं है वो आरफ कहता है असर, लोग बड़ा खुश हुए मंगनी मैं करने में छपड़े ऐसा छपी रहे। हाँ तय कहना सा वो चमचेड़े नहीं कहानी। सो गॉर्डन रॉम्से की जो पहली क्लाइंट हैं वो हैं उनकी दादो जड़िया के लिए भेजे हैं बुढ़ियों ना तो आप सोना मंगनी करी कर अगले अभी लेने मैं ऐसा छपड़े होने से उस कोलों छपड़े से हो थोड़े अभी क्या हो कौन से दादा यार मैं समझ नहीं सी असन क्या दादा कुछ ना मार हा तो आई थिंक शी लाइक्स इट। कैसा है ये कैसा मजे ना पसंद क्या ए अरबी खाने अरबिया ना कस्टर्ड हेलो आई डोंट नो हाउ टू टेल स्वीट डिश टू हर तो इसलिए मैंने कस्टर्ड बोल दिया कन्वीनिएंट है She liked it. She's having more of it. Anyway, तो इस vlog को मैं यहीं पे conclude करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो like करके, share करके, subscribe कर देना। अगर पसंद ना आया हो तो ना पसंद आया तो कुछ 2 crore channels हैं YouTube पे जाके किसी और का देख लो। पहले ही मैंने जैसे बोला था कि ये vlog ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं अपना consistency break नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने ये vlog बनाया। अब फिर वही बात है कि पसंद आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो ठीक है, अगला व्लॉग भी आएगा कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, गुड बाय।